हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं अपना यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 ETS। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम गए थे लंदन से सम्पेटियन, तो अब जा रहे हैं हम सम्पेटियन से ड्रोवर, दूसरी कंट्री में हमारा जो माल ट्रांसफ़र हो रहा है उसे लेके जाना है और हमें ट्रांसपोर्ट करना है। तो अपना ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ है और इसका नाम है ट्री इट। भाई जो ट्रक का जो वो है ट्रॉलर, उसके ऊपर लिखा है ट्रेड, बाकी अपना ट्रक है जो। भाई देखो इसका लुक देखो कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे बाहर से। बाकी इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया है। बाकी आप इस गेम को अगर खेलोगे तो आप भी बहुत मस्त बोलोगे कि भाई क्या गेम है। बाकी अपने मैप में बता रहा है मैं जाना इधर से, तो फटाफट से अपना ट्रक को मैं मोड़ता हूँ इधर साइड से और मुझे इसे बाहर निकालना है, क्योंकि आइट साइड में पीछे पता नहीं एक ट्रंकर रखा है और आइट साइड में लकड़ी वगैरह रखी है, तो मैं इसे थोड़ा आराम से निकालने वाला। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने मोड़ तो लिया है, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि अगर इधर भाई ये जाके ठुकेगा बच्चा भाई बच गया थोड़ा सा अभी, वरना हमारे ट्रक में डैमेज हो जाता है। फिलहाल तो हम बाहर लेके आ चुके हैं अपने ट्रक को, फिलहाल तो हम थोड़ी देर में अभी बाहर निकलने वाले हैं अपने ट्रक को। तो अब मैं राइट में जाना है, क्योंकि यहीं से हमारी एंट्री मतलब एग्ज़िट है यहीं से हमारी, तो हम एग्ज़िट यहाँ से करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हमें मोड़ के लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ट्रक में डैमेज वगैरह हो सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने इधर मोड़ दी है, बाकी हम धीरे धीरे निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी का हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो पता नहीं इस ट्रंकर के अंदर, ट्रॉली के अंदर मतलब क्या है, अगर इसके अंदर लकड़ी वगैरह है तो कुछ ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पुलिस वगैरह भी इस गेम में आती है। फ़िलहाल तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर अपना ट्रक थोड़ा सा रोक दिया था, लेकिन अब वापस से मैंने पीछे किया और अभी से आगे करने वाला हूँ। फ़िलहाल अपना ट्रक है जो ज़्यादा पीछे हो चुका है फ़िलहाल, तो मैंने अपना इंटीरियर वगैरह हैंडल वगैरह पास आ चुका हूँ। फ़िलहाल यहाँ से हमें बाहर निकलना है फ़िलहाल, तो भाई मैं इसे आगे बढ़ाने वाला। फ़िलहाल तो मैंने आगे इसे बढ़ा लिया है और अब मैं यहाँ से एग्जिट होने वाला हूँ बाहर। तो फ़िलहाल हम जो अपने ट्रक को लेकर बाहर एग्जिट हो चुके हैं, हम आ चुके हैं हाईवे पे। मतलब हम पता नहीं कौन सा हाईवे इस पर लिखा होगा, तो मैं बता दूँगा आपको। फ़िलहाल यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत सारे डिवाइडर वगैरह लगे हैं, तो मुझे अब जाना है लेफ्ट साइड में। तो मैं आराम से यहाँ पर पता नहीं कौन सी नदी है जो यहाँ पर बहती है ये वाली, बाकी ये नदी बहुत ही बड़ी है भाई। आप अगर इस गेम को खेलोगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला। फ़िलहाल आपको अभी जो मैं अपने ट्रक को लेकर हाईवे पे आ चुका हूँ एकदम आराम से, हम मेरी जान। तो अब निकलने वाले फटाफट से हम, तो अभी अपने ट्रक को मैं थोड़ा दूर आ चुका हूँ जहाँ से हमने हमारा जो सम्पेटियन जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से मैं आ चुका हूँ। अब जाने वाले हम ड्रोवर, पता नहीं ड्रोवर कंपनी कोई सी है, कंट्री है मतलब, वहाँ पे अब जाने वाले हम। तो मुझे अब लेफ्ट राइट लेना है मतलब, तो मैं फ़िलहाल मैंने राइट ले लिया है और अब मैं निकलने वाला हूँ धीरे धीरे यहाँ से। बाकी फिर से वापस से एक नदी और आ चुकी है, पता नहीं इस नदी का नाम क्या है। बाकी आसपास पूरे जंगल वगैरह है यहाँ पर इस मैप के अंदर। बाकी अपना जो ट्रक है उसमें मुझे एक भी डैमेज नहीं लेना, अगर डैमेज हुआ तो हमारा नुकसान हो सकता है फ़िलहाल यहाँ पर। तो अभी मैं धीरे धीरे अपने ट्रक की स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। फ़िलहाल अपने ट्रक की स्पीड बढ़ चुकी है और हमारे ट्रक में फ्यूल वगैरह तो फुल है। बाकी आप अपने ट्रक की ट्रॉली देखो कितनी बड़ी है भाई, इसके अंदर पता नहीं क्या माल ट्रांसपोर्ट होकर जा रहा है, मुझे भी पता नहीं फ़िलहाल अभी। तो अभी अपने मैप में बता रहा है कि हमें कंटिन्यू स्ट्रेट चलना है सीधे मतलब। बाकी कोई सी आगे बिल्डिंग वगैरह आई है, अगर आगे कुछ हमें रेस्ट करने के लिए जगह मिलेगी तो हम वहाँ पर रुकेंगे। फ़िलहाल मुझे लगता नहीं कि रेस्ट करने के लिए कुछ जगह वगैरह यहाँ पर मिलेगी, तो फ़िलहाल अभी तो हम कंटिन्यू स्ट्रेट चल ही रहे हैं। बाकी हमारे साइड से कार निकल गई, पता नहीं कौन सी अल्टो वगैरह है। बाकी भाई इस गेम के जो ग्राफिक्स है बहुत ही बढ़िया, अगर इस गेम को आप खेलोगे तो आपको भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि ATS इस गेम में आप बहुत सारे मोड डाल सकते हो मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर मैप डालना है तो मैप मोड डाल सकते हो, बस मोड इसके एरिया बस मोड डाल सकते हो आप, इसमें बहुत सारी चीज़ें। बाकी मुझे लेफ्ट जाना है वापस यहाँ से, क्योंकि सामने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, सामने बोर्ड लगा है यहाँ पर है, ये पता नहीं क्या लिखा था यार यहाँ पर, डी डोवेर, लंदन टू डोवेर मतलब डोवेर है, पता नहीं कौन सी कंट्री है। और ये उधर साइड में लिखा है सम्पेटियन। बाकी यहाँ पर मुझे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आगे से ट्रक वगैरह निकल रहे थे, तो मैंने धीरे धीरे यहाँ से अपने ट्रक को निकाला हूँ बाहर अभी फ़िलहाल। तो भाई मैंने अपने ट्रक को थोड़ा मोड़ दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रोका इसे, क्योंकि अगर डैमेज नहीं होना हमारे ट्रक में, डैमेज हमें नहीं करना बिल्कुल भी। बाकी अपने ट्रक को मैंने आराम से यहाँ से निकाल लिया है भाई। इसका ट्रॉली, इसका जो साइज़ देखो अपने ट्रक का, और इसके इतने सारे व्हील्स है इसमें मतलब, पहिए देखो आप कितने पहिए अगर आप गिनोगे तो।
बहुत सारे भाई हैं। और ये वोल्वो कंपनी का या स्केरिया कंपनी का ट्रक है हमारे पास अभी फ़िलहाल। तो अभी मैं हाईवे के वापस आ चुका हूँ क्योंकि मैंने उधर से लेफ्ट लिया था, तो मुझे थोड़ा धीरे करना पड़ा अपना ट्रक, क्योंकि साइड से भाई ये कार टूट गई अभी हमारी ट्रॉली में, तो पीछे निकल गई, रह गई पीछे। अभी फ़िलहाल तो हम कंटिन्यूसली चलने वाले हैं, आगे से हमें लेना है फिर राइट। और आगे सामने हमारे ट्रक जा रही है और एक स्केरिया बस भी जा रही है यहाँ पर सामने से। बाकी हम अभी हमारा जो 50 बता रहा है, मतलब हमें टाइम लगेगा यहाँ पर, मून हो चुका है अभी मतलब सुबह, और हमें टाइम लगने वाला है 2 घंटे 53 मिनट, मतलब हमें इतना समय लग जाएगा। तो हम आ चुके हैं लंदन से प्लेमाउथ और M27 हाईवे के ऊपर हम अभी चल रहे हैं फिलहाल यहाँ पर। थोड़ा स्लो चलाने वाला हूँ क्योंकि हाईवे, बाकी हम ब्रिज के नीचे से निकल रहे वाले हैं, निकल चुके हैं, मतलब ये ब्रिज है M27 हाईवे लंदन का है ये। और यहाँ से थोड़ा धीरे, तो भाई अपना ट्रक अभी नीचे उतर चुका है फिलहाल, मैंने थोड़ा सा अपना ट्रक को नीचे उतार दिया था, बाकी मैंने वापस से अपने रोड पे ले लिया अभी फिलहाल। तो यहाँ से अपना ट्रक थोड़ा स्लो चलने वाला है क्योंकि यहाँ पर थोड़े से चढ़ाव आ चुके हैं, तो इस कारण हमारे ट्रक में थोड़ा ज़्यादा लोड है, इसी का कारण थोड़ा धीरे मतलब चढ़ने वाला है ऊपर। भाई बोलने में कभी जीबान भी अपनी फिसल ही जाती है। बाकी मैं आ चुका हूँ M27 हाईवे के ऊपर जो कि है लंदन में। बाकी यहाँ पर अल्टो निकली हमारे आगे से भी फिलहाल, तो अभी हम जाने वाले हैं बिल्कुल कंटिन्यू स्ट्रेट, हमें किधर भी नहीं मुड़ना है। और अभी सुबह के बाकी अपना कैमरा एंगल भी बता देता हूँ आपको, ये है अपना कैमरा एंगल, मैंने आपको बता दिए हैं तीनों कैमरा एंगल कितने मस्त हैं भाई इसके, इसमें फ्यूचर बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। पता नहीं है पेट्रोल वगैरह डीजल का बता रहा है साइड में, बाकी हम अभी 60 में बता रहा है, 60 किलोमीटर ये बता रहा है कुछ मैप में हमारे। बाकी हम अभी कंटिन्यू स्ट्रेट चल ही रहे हैं, अभी सीधे चलना है बिल्कुल हमें। बाकी भाई ये है ठुकी भाई, एकदम से हमारा कंट्रोल है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था हमारा ट्रक, तो थोड़ी सी हमारी डिवाइडर के आगे जाकर टूट चुका हमारा ट्रक, तो थोड़ा डैमेज उसमें लग चुका है फिलहाल। तो अभी तो कुछ हम अब इस बार हम टूटने वाले नहीं क्योंकि वो गलती से हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था ट्रक हमारा फिलहाल, तो अभी सीधे चलने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं कौन सी कंपनी, ये पता नहीं इस पर क्या नाम लिखा था यार, बहुत मुझे रोक के देखना था कौन सी, बाकी हमने रोका नहीं भाई, थोड़ा स्लो चलाना था यार मुझे क्योंकि मैं देख नहीं सकता था। बाकी यहाँ पर ट्रक पड़ा है पेट्रोल पंप के पास, अपने यहाँ पर पेट्रोल पंप के पास भी जगह थी भाई रेस्ट करने के, लेकिन मैंने इसे रोका नहीं क्योंकि हमें टाइम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी 2 घंटे 33 मिनट और बाकी हमारे पास, हमें इतने टाइम में अपने माल को ट्रांसपोर्ट करना है वहाँ पर डोवेर जो कंट्री है वहाँ पर। बाकी यहाँ पर एक चढ़ाव आ चुका है भाई, ओ भाई ये क्या था भाई, अभी बहुत तो लंबी मतलब ऊंची घाटी आने वाली है यहाँ पर, उतार बहुत ज़्यादा उतार है, तो अपना ट्रक जो अभी फुल स्पीड में नीचे उतरने वाला है। बाकी यहाँ पर खेत है साइड में भाई, कितना लंबा खेत है यार ये देख सकते हो यहाँ पर साइड में, बाकी बहुत स्पीड हो चुकी है हमारे ट्रक की, अब थोड़ा सा इसे कंट्रोल करके चलाना पड़ेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि चढ़ाव पे से उतरा है हमारा ट्रक एकदम स्पीड से, और बाकी ऊपर कोई सा ब्रिज है उसके नीचे से निकलने वाले हैं फिलहाल हम। ये पता नहीं कौन सा हावड़ा ब्रिज, ये हावड़ा ब्रिज तो बहुत इधर ही है लंदन में घूम रहे हैं अभी हम फिलहाल, और यहाँ लंदन में हावड़ा ब्रिज कैसे हो सकता है भाई सोचो तुम। बाकी अभी कंटिन्यू स्टेट और हम आ चुके हैं M27 हाईवे शायद ये, इस पर अभी चल ही रहे हम M27 हाईवे पर, अभी फिलहाल चल ही रहे हम कंटिन्यू स्ट्रेट। बाकी डिवाइडर से थोड़ा मुझे साइड से चलाना पड़ेगा, थोड़ी सी रोक दी थी क्योंकि भाई जो है भाई ट्रक देखो कौन सा है यार, VPC का ट्रक है जो इसके ट्रॉली के ऊपर लिखा है VPC, भाई कितनी स्पीड से गए देखो आप भाई, हमारा
हमारा कंट्रोल थोड़ा सा ऐसा ही थोड़ा, तो हम धीरे चलाने वाले हैं अभी, क्योंकि हमारे पैसे भी कट सकते हैं। फिलहाल अभी हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, तो हम आधा रास्ता तो हमने अपना जो सफ़र है जो आधा सफ़र तो पूरा कर लिया है, और आधा सफ़र हमारा बाकी है। फिलहाल बाकी यहाँ पर आई साइड में भी पहाड़ी वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। आप साइड में देखो भाई, पूरा जंगल वगैरह जंगल आ चुका है, और यहाँ पहाड़ी वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर पहाड़ी भी जो स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, तो हमें थोड़ा और टाइम लगने वाला अभी। तो यहाँ पर है जो पता नहीं कौन सा कंट्री का यहाँ पर बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, बैनर मतलब यहाँ पर ही है। तो भाई हम अभी आ चुके हैं डोवर के, मतलब M27 हाईवे के ऊपर आ चुके हैं। डोवर के अंदर हमने जो एंट्री ले ली है फिलहाल, तो हम कंटिन्यू से चले रहे हैं, तो भाई चलने देते हैं थोड़ा आराम से हमारे ट्रिप को, तो हमें थोड़ा पूछना पड़ेगा। और अभी हमारे पास अभी टाइम है 2 घंटे, बराबर 2 घंटे बचे हैं, और अभी टाइम भी 10:47 हुई है अभी सुबह के, मतलब 10 बज चुके हैं और हम अभी चल ही रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर मतलब 3-4 घंटे बाद यहाँ पर रात भी होने वाली है, मतलब दिन ढलने वाला है अभी फिलहाल। तो अभी बहुत टाइम है अभी फिलहाल, तो अभी हम फुल स्पीड में हमारे ट्रक को लेके चल ही रहे हैं। बाकी यहाँ पर कुछ ट्रक वगैरह आया है सामने से, वो तो उस साइड पे गया भाई, उस साइड पे दिक्कत कौन सी अभी तुझे? ओ भाई बची बची भाई, बच गई वरना अभी टूट जाए। बाकी ये कौन सा ब्रिज है भाई, इसके ऊपर पहाड़ वगैरह पूरे, और हमें सुरंग के अंदर से जाना है, मतलब धीरे आराम से सुरंग के अंदर से लेके जाना है। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा, अगर यहाँ पर ठुक गई तो भैया डैमेज हो सकता है हमें ट्रक में। बाकी भाई ये वो भाई ठुकी भाई, हमारा ट्रक है जो वापस से भी ठुक चुका है, जो डैमेज उसमें लग चुका है फिलहाल। तो अभी मैंने बोला था कि हमें थोड़ा धीरे चलाना पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा अभी स्लो करा है, तो थोड़ा स्लो करके चलाना पड़ेगा मुझे भाई। तो अभी हम जा रहे हैं सुरंग के अंदर से, मतलब जो हाईवे है वो सुरंग के अंदर से गया है, जिसके ऊपर बहुत सारी पहाड़ी वगैरह है यहाँ पर फिलहाल अभी। बाकी यहाँ पर लाइट वगैरह भी लगी हुई है, तो हमें थोड़ा आसान था जाने में अंदर से। बाकी यहाँ पर कुछ बता रहा है मैप में अंदर, पता नहीं क्या बता रहा है ये। फिलहाल अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं सीधे कंटिन्यू स्ट्रेट, चल रहे हैं डोवर के डोवर कंट्री में, और हम M27 हाईवे के ऊपर है अभी फिलहाल अभी हम। तो अभी हमें थोड़ा टाइम वो लगने वाला है, तो अभी चलने देते हैं आराम से, ऐसे हमारे ट्रक को चलाते हैं और थोड़ा सा मज़ा लेते हैं ट्रक को चलाने में भाई। ट्रक चलाने में जो मज़ा है बहुत ही है, क्योंकि इस गेम के अंदर आपको गेयर वगैरह के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, आप जैसे कंट्रोल चाहते हैं वैसा इस गेम में आपको कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं बहुत सारे। अगर आप इसको बस इस गेम को ये है कि आप इसको मोबाइल में नहीं चला सकते, क्योंकि ये PC वाला गेम है, इस गेम को मोबाइल में चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी स्टोरेज आपके मोबाइल की स्टोरेज इतनी नहीं हो सकती जितनी, क्योंकि आप इसको PC में ही खेल सकते हो सिर्फ। अगर आपको इसको मोबाइल में चलाना है तो आप नहीं चल सकते, क्योंकि भाई अभी इसका मोबाइल वर्जन शायद ही आया है, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अभी PC में चला रहा हूँ इसको। तो इस गेम को आप खेलना चाहते हो तो आपके पास PC होना चाहिए इसे। और बाकी हम इतनी दूर आ चुके हैं, मैप में बता दिया मैंने आपको, तो हम अभी सम्पेटियन से दूर आ चुके हैं, मतलब लंदन सम्पेटियन और डोवर। बाकी यहाँ पर रात होने का वक्त हो चुका है, और जो है मौसम भी थोड़ा ऐसा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर मौसम गड़बड़ होने वाला है फिलहाल यहाँ पर अभी। तो अभी तो भाई अभी कुछ हुआ नहीं यहाँ पर, बस हवा आंधी चली रही फिलहाल यहाँ पर अभी। रात होने वाली है और मौसम भी थोड़ा ऐसा गड़बड़ हो चुका है यहाँ फिलहाल यहाँ पर अभी, तो
बाकी आप हमारा ट्रक जो चल ही रहा है कंटिन्यूशन, बाकी उसमें फ्यूल भी बहुत सारा है, मतलब डीजल वगैरह भी। और बाकी हम एक दूसरे रोड के ऊपर आ चुके हैं फिलहाल यहाँ पर। ये कौन सा हाईवे पता नहीं मुझे, इस हाईवे का नाम मुझे देखना है कौन सा है, और आगे से मुझे सीधे कंटिन्यू स्ट्रेट ही चलना है। बाकी यहाँ पर ये सीट बेल्ट का ऑप्शन बाकी हम 50 बता रहा है, ये बैनर पर पता नहीं क्या लगा था। बाकी यहाँ पर भाई पुलिस है जो खड़ी हुई है, पता नहीं क्या बोल रही है पुलिस। यहाँ पर एक कार है जो ठुक चुकी है फिलहाल यहाँ पर। तो भाई हमारे जो है 50 रुपये पता नहीं इसने काट लिए पुलिस वाले ने। भाई मेरे क्यों काटे, ठुकी तो उसकी थी और मैंने तो क्या, मैं तो आराम से निकल ही रहा था। ये पुलिस वाले भी ना गजब भी होते हैं, उल्टे पजामे। अभी हम हाईवे पे वापस अपने पता नहीं कौन सा हाईवे है। और बाकी मेरे ट्रक की जो हेडलाइट चालू नहीं हो रही है भाई यार, मैं उसको चालू करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं इसको बार बार फ्यूज़ वगैरह कर देता हूँ पॉज। बाकी यहाँ पर मेरे ट्रक की हेडलाइट चालू नहीं, बाकी ऑप्शन तो आया लेकिन इसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ हेडलाइट को अपनी। बाकी यहाँ पर एग्जस्ट का ऑप्शन आया है, यहाँ पर है पार्टिंग लाइट लो बर्न हाई बर्न, और यहाँ पर कोई बहुत सारी है फ्रंटल अवलेक्सरी, पता नहीं क्या था यार। अभी हमारे ट्रक की जो हेडलाइट चालू नहीं हो रही फिलहाल, तो अभी फिलहाल अभी अपने हाईवे पर हम कंट्रोल कर चुके हैं, अभी चल ही रहे हैं फिलहाल। देखा था पीछे पुलिस भाई खड़ी थी क्योंकि एक कार का एक्सीडेंट हो चुका था वहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर वापस से जंगल स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर अभी जंगल वगैरह यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है फिलहाल। तो हम थोड़ा सा और सफर बाकी है, फिर अपनी जो लोकेशन वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि अपना माल पाक यहाँ पर आगे रेस्ट का ऑप्शन भी है। देखते अगर यहाँ पर रेस्ट वगैरह, भाई ये कौन सा ब्रिज है यार, ये बहुत छोटा ब्रिज है, लेकिन हम इसके नीचे से निकल चुके हैं फिलहाल अभी। ओ भाई क्या, अभी रात होने वाली है और मेरे ट्रक की हेडलाइट जो चालू नहीं हो रही फिलहाल यहाँ पर, तो उसे चालू करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि भाई रात के अंधेरे में ट्रक चलाना बहुत ही मुश्किल होता है भाई। अभी ठुक गई तो हमारे बाकी साइड में पता नहीं कौन सी फसल है, सूरजमुखी फसल है पता नहीं। बाकी यहाँ पर एक पेट्रोल तो इसके अंदर डालता हूँ मैं, देखते हैं यहाँ पर रेस्ट करने का ऑप्शन आता है या नहीं भाई। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ हम फ्यूल वगैरह भी डलवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है रेस्ट का। तो बाकी यहाँ से मैं वापस बाहर निकलता हूँ, यहाँ पर कुछ यहाँ पर कार वगैरह खड़ी हुई है, क्योंकि अभी रात का टाइम हो चुका है, तो सब अपने जो कार वगैरह को पेट्रोल पंप के ऊपर डाल देते हैं, वहाँ पर रख देते हैं फिलहाल। तो अभी मैं चल ही रहा हूँ सीधा, अभी थोड़ा सा टाइम और, अभी हमें कितने घंटा बता रहा है अभी। तो भाई मैंने शायद गलत ले लिया, नहीं सही लिया मैंने, इधर ही जाना सीधे मुझे, क्योंकि इधर ही घूम के वापस आना है। तो अभी अपना टाइम बता रहा है 42 मिनट, मतलब हमें एक घंटा और चाहिए पूरा, एक घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे, मतलब आधा एक घंटे से थोड़ा सा बस कम, फिर हम अपनी लोकेशन पर आराम से पहुंच जाएंगे। फिलहाल अभी मुझे मतलब आगे से लेफ्ट लेना है, फिर आगे से इधर आना है, फिर राइट लेना है, मतलब मुझे घूम फिर के वापस इधर ही आना है, क्योंकि ये जगह ये हाईवे इधर से घूम फिर के वापस इधर ही जाने वाला है फिलहाल। तो मुझे आगे से यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा थोड़ा आराम से, धीरे धीरे भाई धीरे लेना है यार, यहाँ पर थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मोड़ने में यहाँ पर। तो भाई अभी धीरे ले लिया है, मोड़ने में अभी दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर कुछ, बाकी इधर मैंने आराम से ले लिया, सीधे सीधे चलना मुझे अभी। तो भाई ये क्या ट्रक वाले ने ठोक दिया पीछे से, पता था मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पर हेडलाइट देना था, लेकिन मैंने हेडलाइट यहाँ पर नहीं दी फिलहाल। अभी यहाँ पर मैं चल ही रहा हूँ सीधे अपना जो है कंटिन्यू स्ट्रेट, अब आगे से मुझे राइट लेना है आगे से जाकर, अभी सीधे चलना है। बाकी ये रोक दिया था मैंने यहाँ पर कुछ, ठुक गई थी, साइड डैमेज वगैरह लग चुका था। बाकी यहाँ पर ये कोई सी दीवार है कांच की मिरर, बाकी आगे से कुछ आया है ट्रक,
ये लंदन है, यहाँ पर थोड़ा आराम से। बाकी इतनी दूर हम आ चुके हैं, अभी हम थोड़ी सी दूर यहाँ पर आप देख रहे हो जहाँ पर ये झंडी बता रहा है, यहाँ पर जब हम अपना जो माउस का किया था वहाँ पे हमें जाना है। तो हम लंदन से आए भाई, अभी यहाँ पर बहुत दूर आ चुके हैं लंदन से अभी फिलहाल। बाकी एक ट्रक आया है ऐसे भाई, हिट गई हो, देखना ही है, डैमेज तो देगा अपने ट्रक, क्योंकि मैंने थोड़ा साइड उसे मोड़ दिया था, लगे अपने दोनों ट्रक के ऊपर मैंने चढ़ा दी और डैमेज हमें लगा बिल्कुल, उन्हें कुछ नहीं हो। बाकी आगे से बस आई से थोड़ा सा इसमें पैसेंजर वगैरह हो सकते हैं फिलहाल। तो फिलहाल अभी यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, अब आगे से मुझे राइट लेना है फिर। तो फिलहाल अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपनी जो लोकेशन पे थोड़ी सी दूर, और फिर आगे से लेफ्ट ये घुमा के लेना है मुझे। और यहाँ पर कोई सी बिल्डिंग है सामने, यहाँ पर रेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है यार, रेस्ट होना था यार यहाँ पर। बाकी अभी बहुत टाइम हो चुका है मुझे ट्रक चलाते चलाते। बाकी यहाँ पर ये कुछ ट्रॉली वगैरह खड़ी है यहाँ पर। बाकी अभी मुझे यहाँ से आगे से राइट लेना है, फिर हम लोकेशन से थोड़ी सी दूर रहेंगे फिर। बाकी यहाँ से अब मुझे लेना है राइट, तभी मैं यहाँ से राइट लेने वाला हूँ फिलहाल अभी। ओ भाई धीरे ले धीरे उस पे चढ़ा दी, पता था मुझे उस पे चढ़ा दी तूने। ओ आगे ठुक गई भाई, डैमेज बहुत जोरा हुआ भाई। अपना ट्रक है जो अभी बंद हो चुका है फिलहाल, यहाँ पर पीछे हो रहा है सिर्फ, आगे हो ही नहीं रहा। तो मुझे अपना है जो ट्रक को थोड़ा सा साइड से निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल भाई इस क्योंकि अपना ट्रक है जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इस कारण से इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर रोकने वाला हूँ। फिलहाल हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं हम, क्योंकि अपना ट्रक है जो फुल डैमेज हो चुका है, तो उसके इंजन वगैरह में थोड़ा सा धुआं निकल रहा है भाई। तो अभी मुझे थोड़ा रोकना पड़ेगा अपना ट्रक को, रेस्ट वगैरह।